ये हरे मूंग की दाल है, हमने ये एक कप ले लिया था और इसे 4 से 5 घंटों तक हमने एक कप पानी में भिगो के रखा, थोड़ा नमक डाल के। अब ये नरम हो गए और फूल गए हैं, इसे अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें या आपके स्वाद अनुसार 6 लहसुन की कलियां, आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट। इन सभी चीजों को हम मिक्सर जार में एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। हमारा एक गाढ़ा बैटर तैयार हो गया है। अब इस बैटर में हमें डालना है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर, 1 चुटकी हींग और नमक स्वाद अनुसार। याद रखिए हमने नमक थोड़ा पहले भी डाला हुआ है मूंग दाल को भिगोते समय। अब हम इस बैटर में 1 बड़ा टेबलस्पून तेल का डालेंगे। इसके साथ ही हम ये सारे मसाले भी इसके अंदर डाल देंगे और डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। इन सभी चीजों को हम एक साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते करते और बीट करते करते ये बैटर काफी फ्लफी और एयरी हो गया है। ये कोफ्ते हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में बना रहे हैं। उसके लिए हमने सरसों का तेल पहले ही धुआं आने तक गर्म करने के लिए रख दिया था। आप चाहे तो कोई और तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम चमचे की मदद से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे और अपने हिसाब से जितने बड़े कोफ्ते बनाने वो बनाएंगे। बैटर डालने के कुछ ही देर बाद हम इसे ऊपर नीचे हिलाते रहेंगे ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इन्हें हम लो से मीडियम आंच के बीच सुनहरा यानी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और ऐसे से छानकर बाहर निकालकर एक पेपर टॉल पर रख देंगे। अब कोफ्ते तलते समय ही आप दूसरे चूल्हे पर एक नॉनस्टिक कढ़ाई में करीब 1 टेबलस्पून तेल गरम कर लीजिए। तेल गरम होने पर उसमें 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच कलौंजी डाल दीजिए। कुछ सेकंड्स तक इनके क्रैकल करने के बाद ही हम करीब 3 कटे हुए प्याज डाल देंगे। इन्हें तब तक हम सौते करते रहेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कोरिएंडर यानी धनिया का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। इन सारे मसालों को एक साथ मिक्स करके हम इन्हें थोड़ी देर भुनेंगे मीडियम आंच पर करीब 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप टमाटर की प्योरी। अब आंच को थोड़ा लो कर दीजिए और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और हम इसमें अब डालेंगे अपने बनाए हुए कोफ्ते। अगर आप चाहते हैं ग्रेवी को थोड़ा पतला करना तो पानी डालकर एक उबाल देने के बाद इसमें कोफ्ते डाल दीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही इनको डालकर अच्छी तरह कोट कर लीजिए और सर्व कर सकते हैं गरम गरम। सर्व करने से पहले थोड़ा धनिया के पत्तों से इन्हें गार्निश कर लीजिए, दिखने में अच्छा लगता है। दोस्तों क्योंकि इन कोफ्तों को बनाने के लिए बेसन का यूज किया गया है इसलिए ये कोफ्ते अपने आप में काफी पानी सोख लेते हैं। इसलिए अगर आप इन्हें ग्रेवी में सर्व कर रहे हैं तो आप इन्हें पहले ग्रेवी में बना के ना रखें। जब आपको खाना हो या सर्व करना हो बस उसी वक्त ग्रेवी बनाएं और इन्हें गरम गरम सर्व करें।